So hi guys, welcome back to the channel. I hope everyone is doing great. So in today's video, जैसे आपने thumbnail पढ़ लिया होगा, हम discuss करने वाले हैं properties of resistors in series. We will be discussing the properties for resistors in series. So ये 9th और 10th के बच्चों के काम आएगा, 9th and 10th standard के बच्चों के काम आएगा of various boards. हर board में ये concept है, whether you are from CBSE board or ICSE board और स्टेट बोर्ड एसएससी बोर्ड डजंट मैटर, ये हर बोर्ड में काम आएगा, कॉमन टॉपिक है सबके लिए. ठीक है, तो डिस्कशन शुरू करते हैं. सबसे पहले मैं समझाऊंगा कि रेजिस्टर्स इन सीरीज का मतलब क्या होता है. व्हाट इज रेजिस्टर्स इन सीरीज? जब मैं सीरीज कहता हूँ, सीरीज का सिंपल मीनिंग ये है कि दैट रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड वन बिहाइंड द अनदर. रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड वन आफ्टर अनदर. ओके, एक के पीछे एक कनेक्टेड होंगे, वन आफ्टर दी अदर कनेक्टेड होंगे. जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितने रेजिस्टर्स है. देर इज आर वन, देर इज आर टू, देर इज आर थ्री एंड दे आर कनेक्टेड वन आफ्टर दी अदर. बराबर, ओके. सो सीरीज क्या है, हमें समझ गया. एक के पीछे एक अगर रेजिस्टर्स कनेक्टेड है तो हम कहेंगे कि दैट दिस इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स. सो सीरीज में कनेक्ट होने पर होता क्या है, सीरीज पे कनेक्ट होने पर होता क्या है. सर्किट डायग्राम में एज यू कैन सी मैंने एक सेल लिया है. आई सेलेक्टेड अ सेल, आई हैव केप्ट अ सेल इन द सर्किट डायग्राम. ये सेल का वोल्टेज कितना है? ये सेल का वोल्टेज है आपका 10 वोल्ट्स. ओके, सो अ सेल इज बेसिकली मेड इन दिस वे. देर इज अ बिग स्टिक, देर इज अ स्मॉल स्टिक. ओके, जो बड़ी वाली स्टिक है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है सेल का, जो छोटी वाली स्टिक है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है. ठीक है, ये याद रखना, कभी भी उल्टा मत कर देना. जो बड़ा है पॉजिटिव, जो छोटा है नेगेटिव. ठीक है, सो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल. करंट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल. मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा सर्किट के अंदर. इट विल फ्लो थ्रू द एम मीटर. जिनको पता नहीं है ये किसका सिंबल है, एम मीटर का. एमीटर क्या करता है, करंट को मेजर करता है एंड इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट. ओके, सो एमीटर के भी टर्मिनल्स होंगे. पॉजिटिव पार्ट, जो सेल के पॉजिटिव पार्ट को कनेक्टेड है वो पॉजिटिव, दूसरी वाली साइड नेगेटिव. ठीक है, करंट विल फ्लो थ्रू द एमीटर, रीडिंग आएगी कितना करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर. देन द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर्स आर वन, आर टू, आर थ्री. ठीक है, आर वन, आर टू एंड R3. वोल्ट मीटर कनेक्टेड है टू एवरी रेजिस्टर इन सीरीज. एवरी रेजिस्टर विल हैव इट्स ओन वोल्ट मीटर. द रीजन इज द वोल्टेज इज डिवाइडेड इन प्रपोर्शन टू दीज रेजिस्टर्स. ओके, सो वी वन, वी टू, थ्री. ठीक है, ये तीन वोल्ट मीटर होंगे. वोल्ट मीटर के भी साइन लिखने हैं आपको, पॉजिटिव यहाँ पे, नेगेटिव यहाँ पे. The side which is towards the positive side of the cell, that will be positive. The other side negative. Okay, got it. तीनों voltmeter parallel में connected होते हैं हमेशा. Okay, voltmeter कभी भी याद रखना, हमेशा किस में connected होते हैं, parallel में. Okay, क्यों ऐसा? Ammeter का resistance negligible होता है. Ammeter को current measure करना होता है, इसीलिए उसका resistance negligible होता है. Okay, resistance is negligible. कम से कम रखा जाता है. ओके, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस मैक्सिमम होता है. सिंस वी आर मेजरिंग वोल्टेज देयर, वी आर कंसर्न्ड अबाउट वोल्टेज. सो रेजिस्टेंस क्या होता है वोल्ट मीटर का? इट इज ऑलवेज मैक्सिमम. ठीक है, सो दैट्स व्हाई वोल्ट मीटर्स आर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द रेजिस्टर एंड एम मीटर्स आर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द रेजिस्टर्स. याद रखना इस बात को. ठीक है, आई होप इतनी बातें क्लियर है. अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को. ओके, एंड सेकेंडली आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा. टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओ जाके, वहाँ पे हम बहुत सारा मटेरियल शेयर करते हैं फॉर 10th, 11th एंड 12th स्टूडेंट्स, काम आएगा आपके. ठीक है, सो करंट इज फ्लोइंग थ्रू ऑल ऑफ दीज रेजिस्टर्स. ओके, सो कैन आई से सेम करंट फ्लोज थ्रू ऑल रेजिस्टर्स? येस, आई कैन से दैट. And it again comes back to the cell. So this is the switch. The switch is tapped in
सो एक अलग टाइप का स्विच है, दिस इज कॉल्ड टॉगल स्विच, दिस इज कॉल्ड अ टॉगल स्विच. ओके, सो अगर ये स्विच क्लोज नहीं है, अभी तो ये क्लोज्ड है, अगर ये क्लोज नहीं होता तो कैसे ड्रॉ करते, द स्विच वुड हैव बीन ओपन, ऐसे अप, इफ यू टॉगल इट डाउन, पुश इट डाउन, इट विल बी क्लोज्ड. क्लोज्ड मतलब सर्किट इज वर्किंग, करंट इज फ्लोइंग. ठीक है, ये सारी बातें याद रखना. सो पहली प्रॉपर्टी हमने यहां पे देख ली, डिस्कवर कर ली कि करंट इज फ्लोइंग, द सेम करंट इज फ्लोइंग थ्रू ऑल थ्री रेजिस्टर्स. ठीक है, तो जरा इस बात को नोट करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज. पहली प्रॉपर्टी, द सेम करंट, द सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच रेजिस्टर. ये पहली प्रॉपर्टी है. नाउ कमिंग टू द सेकेंड प्रॉपर्टी, हम सीरीज में कनेक्ट क्यों करते हैं, ये बैक टू बैक कनेक्ट करने का फंडा क्या है, सीरीज में कनेक्ट करने की जरूरत क्या है. सीरीज में कनेक्ट इसीलिए किया जाता है, मान लो अगर मुझे मेरे इलेक्ट्रिक सर्किट में ज्यादा करंट की आवश्यकता है, ज्यादा करंट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, तीन चार रेजिस्टर्स लूंगा. ज्यादा रेजिस्टेंस की आवश्यकता है, सॉरी, इफ यू नीड मोर रेजिस्टेंस, तो क्या करेंगे, सीरीज में हम जितने रेजिस्टर्स चाहिए, जितनी वैल्यू की रेजिस्टेंस चाहिए, उस हिसाब से सीरीज में रेजिस्टर्स को कनेक्ट करेंगे. तो सीरीज में होता क्या है, रेजिस्टर्स की ये वैल्यू जो बैक टू बैक कनेक्टेड है वो ऐड होगी. ओके, सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज, RS बोल दो, मतलब टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज, या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज विल बी व्हाट, ये जितने रेजिस्टर कनेक्टेड है ना, सबको ऐड करना है बैक टू बैक. ओके, सो ये केस में हमारे पास तीन है रेजिस्टर, सो R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐड कर दो. तो R1 की वैल्यू 3 ओम लिए हमने, R2 की वैल्यू लिए 5 ओम, एंड R3 की वैल्यू लिए 9 ओम, सबको ऐड कर दिया, कितना है, 3 प्लस 5 प्लस 9 कितना बनता है, 14 प्लस 3 17 ओम बनता है. ओके, 17 ओम. इसका मतलब क्या है कि ये जो सर्किट है इसमें सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है, वो 17 ओम है. ठीक है, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है, वो 17 ओम है. ओके, सो ये जरा प्रॉपर्टी याद रखेंगे, सेकंड प्रॉपर्टी है. ठीक है, दिस इज सेकंड प्रॉपर्टी हियर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इफेक्टिव रेजिस्टेंस. इसको आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं कुछ बुक्स में, एंड देन इन सम बुक्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड इफेक्टिव रेजिस्टेंस. इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन दी सीरीज सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टर्स. ठीक है, मतलब मान लो मेरे पास एन रेजिस्टर्स है, फॉर एन रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज, फॉर एन रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज, क्या बोलेंगे बच्चों, फॉर एन रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज वी विल से दैट RS, दैट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वुड बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. ऐसे करते करते RN तक आपको ऐड करते जाना है, जितने नंबर ऑफ रेजिस्टर्स है सर्किट में जो सीरीज में, सबको ऐड करना है. ओके, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. ओके, सो इससे एक और प्रॉपर्टी प्रकट होती है, यहाँ पे वी कैन क्रिएट वन मोर प्रॉपर्टी हियर, दैट अगर टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में RS की जो वैल्यू है, ये एडिशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टर्स है, सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टर्स है, मतलब RS will be greater than the value of individual resistors, right? So, effective resistance, third property, effective resistance, which is RS, okay, will always be greater than, will always be greater than individual resistances, ठीक है?
इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, ये मैं खाली सीरीज की बात कर रहा हूँ, पैरेलल हम लोग अलग वीडियो में करेंगे, सीरीज की प्रॉपर्टीज अलग वीडियो में, दोनों को मिक्स नहीं करना, ठीक है। मतलब आर एस की जो वैल्यू है ये आर वन से भी ज़्यादा होगी, ये आर एस की जो वैल्यू है आर टू से भी ज़्यादा होगी, आर एस की वैल्यू आपकी आर थ्री से भी ज़्यादा होगी, कोई भी रेजिस्टर ले लो जो कनेक्टेड है उससे ज़्यादा ही होगी आर एस की वैल्यू। एक सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं, ऊपर ही हमने आर एस की वैल्यू निकाली थी, 17 आई थी बराबर, आर एस की वैल्यू हमें कितनी मिली, 17 ओम मिली थी बराबर। आर एस इज ग्रेटर देन आर वन क्लियरली, बिकॉज आर वन की वैल्यू 3 ओम है, आर एस इज क्लियरली ग्रेटर देन आर टू बिकॉज आर टू की वैल्यू 5 ओम है भाई, 17 बड़ा या 5 बड़ा, 17 ना, और वैसे ही आर एस की वैल्यू जो है आर थ्री से भी ग्रेट है, ग्रेटर है, ओके। आर थ्री की वैल्यू कितनी है भाई, 9 ओम, इट विल बी ग्रेटर देन 9 ओम, क्लियर है। चलो बढ़िया, अगर ये समझ गया तो लाइक करो वीडियो को पहले। और एक और चीज़, अगर कोई पॉइंट आपको नहीं समझिए ना, कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं कमेंट में रिप्लाई करके समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। फील फ्री टू कमेंट, अपना ही चैनल है, शर्माओ मत, ठीक है। फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं इसी बहाने, तीन पॉइंट्स हमें समझ में आ गए, ओके। नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ पॉइंट, ओके। फोर्थ पॉइंट में ना थोड़ी सी मेहनत करेंगे, इसके लिए ओम्स लॉ आना ज़रूरी है, ऊपर वाला इक्वेशन ले लेते हैं, सेकेंड वाला, जिसके अंदर हमने कहा था सीरीज में जो टोटल रेजिस्टेंस होता है आर एस, दैट विल बी इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, सही बात है, यस। ओम्स लॉ याद है आपको, ओम्स लॉ काफी काम आएगा आपके। ओम्स लॉ इज वी इज इक्वल्स टू आई आर बराबर, जिनको ओम्स लॉ याद नहीं रहता है वीर नाम से याद रखना, वीर वी आई आर वीर, सो वी इज इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। सो इफ आई टॉक अबाउट RS, that is a resistance in series, so that would be V, capital V, that is the actual potential difference or the cell value of cell. So हमारा capital V क्या होगा यहाँ पे? Capital V would be 10 volts बराबर। ये जो 10 volts है, यही मेरा capital V है। Example के लिए लिया है। अभी वो value use नहीं करनी है। अभी मैं कुछ नया चीज़ बता रहा हूँ। So V is equals to capital V is equals to I तो same है। हर एक रेजिस्टर से पूरे सर्किट में खाली आई सर्कुलेट हो रहा है, आई एंड देन आर एस, वी इज इक्वल्स टू आई आर एस। वैसे ही रेजिस्टर वन के लिए लिखूंगा तो क्या आएगा, रेजिस्टर वन के लिए मैंने क्या बोला था, इसका खुद का एक वोल्टेज मेजर होगा, वोल्ट मीटर यहाँ पे पैरेलल में क्यों कनेक्ट किया जाता है, बिकॉज इसका खुद का एक वोल्टेज मेजरमेंट आएगा। वैसे ही आर टू का भी खुद का अलग वोल्टेज आएगा, इनके थ्रू कितना वोल्टेज फ्लो हो रहा है ना वो पता चलेगा, ओके। सो V is equals to IRS, so V1 is equals to IR1 होगा, वैसे ही V2 is equals to IR2 होगा, वैसे ही V3 is equals to IR3 होगा। फॉर्मूला में मुझे R R से मतलब है, मतलब रेजिस्टेंस से मतलब है, सो कैन आई राइट RS is equal to V by I, I can also write that way R1 is equals to V1 upon I, I can also write that way R2 is equals to V2 upon I. And I can also write that way R3 is equals to V3 upon I, ठीक है, ये क्लियर है बच्चों। तो करना क्या है, इन सारी वैल्यूज को ऊपर वाले इक्वेशन में डाल दो इसके अंदर, ओके। सो व्हेन यू पुट ऑल दीज वैल्यूज इन द अबव इक्वेशन, यू विल गेट कैपिटल V अपॉन स्मॉल I इज इक्वल्स टू V1 अपॉन I प्लस V2 अपॉन I प्लस V3 अपॉन I, ठीक है। यहाँ पे i कॉमन है ना, सबके डिनोमिनेटर में i सेम है, सबके डिनोमिनेटर में i की वैल्यू सेम है, कैंसिल, सबके डिनोमिनेटर साफ, बचा हुआ क्या मिलेगा, बचा हुआ आपको मिलेगा v इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2 प्लस v3, गॉट इट। ये फोर्थ प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली दिया हुआ है आपके, मैंने डिराइव करके बताया फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ आर एस, ओके। आर एस भी डेरिवेशन में बताना है आपको अलग से, वो बाद में अगली वीडियो में बताऊंगा, सब इसमें नहीं मिक्स करेंगे, ठीक है, इसमें खाली प्रॉपर्टीज पे ध्यान दे रहे हैं हम लोग, ओके। इसका मतलब जो टोटल वी होगा, टोटल वी जो है दैट इज 10 वोल्ट्स, टोटल वी जो है दैट इज 10 वोल्ट्स विल बी एडिशन ऑफ वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री, सम ऑफ वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री, ठीक है। मतलब वी थ्री, वी वन की वैल्यू
कुछ प्रोपोर्शन में होगी। कैसे प्रोपोर्शन निकालना है, आर वन अपॉन आर एस इंटू कैपिटल वी, समझा। वैसे ही वी टू की वैल्यू क्या होगी, आर टू अपॉन आर एस इंटू कैपिटल वी। वैसे ही वी थ्री की वैल्यू होगी आर थ्री अपॉन आर एस इंटू कैपिटल वी। सो ये थोड़ा हाई लेवल हो जाएगा, इंडिविजुअल वैल्यूज आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, बट इतना याद रखना तो रेजिस्टर के रेशियो में होगा, जो रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है उसको वोल्टेज रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, सो उसकी वी की वैल्यू ज़्यादा होगी, वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा होगी, समझ लिया। जो रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है, तो अगर मैं आपको एक कॉमन क्वेश्चन पूछूं कि यहाँ पे तीन रेजिस्टर है, एक 3 ओम का, एक 5 का, एक 9 का है, इसमें से कौन से रेजिस्टर को ज़्यादा वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होगी, जो 9 ओम का है ना उसको होगी। सो वी थ्री इज़ ग्रेटर दैन वी टू इज़ ग्रेटर दैन वी वन, समझा। और इन तीनों को अगर आप ऐड कर दो, तो क्या मिलेगा, यू विल गेट कैपिटल वी। तीनों का एडिशन क्या देगा आपको, कैपिटल वी देगा, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। दिस इज द प्रॉपर्टी फोर्थ प्रॉपर्टी, ठीक है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी सही से लिख लेंगे यहाँ पे, द पोटेंशियल डिफरेंस across the two extremes, of the series combination of the series combination is equal to potential difference इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, बोलना बच्चों गलती होगी, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ईच इंडिविजुअल रेजिस्टर, ठीक है, क्लियर है ये बात, ओके, एकदम लाउड एंड क्लियर। ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, चारों प्रॉपर्टीज अच्छे से याद रखना है, चारों प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। सो पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर हमने एक पॉइंट लिख लिया, इफेक्टिव रेजिस्टेंस के ऊपर, ओके, ये सारे पॉइंट्स हो गए। एक लास्ट पॉइंट लिखना बाकी है, जो मैंने एक्सप्लेनेशन के बीच में वो पॉइंट ऑलरेडी बोल दिया था। फिफ्थ पॉइंट यही है कि सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज कहाँ पे होता है, सीरीज अरेंजमेंट इज यूज्ड टू इंक्रीज रेजिस्टेंस इन अ सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस इन अ सर्किट, ओके। कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसके अंदर मेरा एम है कि रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना है, तो ऐसे सर्किट में यूज होगा आपका सीरीज अरेंजमेंट, ठीक है, इज यूज टू इंक्रीज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, क्लियर है बच्चों, ओके। तो बस प्रॉपर्टीज है, आपको साथ में नोट भी करना था, ओके, खाली सुनना नहीं है, साथ में नोट भी करना है। वीडियो लेकर के सुनना अच्छी बात है, बट नोट करोगे, लिखोगे ना तो याद रहेगा, खाली सुनोगे तो उतना याद नहीं रहेगा, ठीक है। सो यस, ये अभी हमारे 10th के क्लास में चालू है, मुकाम्बिका ट्यूटोरियल्स के। सो यस, दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन, इलेक्ट्रिक करंट हम लोग पढ़ रहे हैं। सो मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, ओके। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो बताओ, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज लाऊंगा जिसके अंदर हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट छोटे छोटे वीडियोज में समझेंगे, ओके। चलो, बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वन।